एसएसपी दिनेश कुमार पी की अध्यक्षता में मंगलवार को व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक रिजर्व पुलिस लाइन के सभागार में संपन्न हुआ, जिसके संबंध में एसएसपी दिनेश कुमार पी ने बताया कि शासन के निर्देश पर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई है। एसएसपी ने बताया कि व्यापारियों की कुछ समस्याएं सामने आई हैं, जिसका 24 घंटे के अंदर निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि बैठक में व्यापारियों से अपील की गई है कि अपने दुकान में तथा दुकान के आगे अच्छे किस्म के सीसीटीवी कैमरे लगवाएं, जिससे किसी तरह का अपराध होने पर अपराधियों को पकड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि घटना का खुलासा में सीसीटीवी का अहम योगदान होता है। उन्होंने बताया कि व्यापारियों द्वारा तरकुलहा मंदिर पर महिला सिपाहियों को लगाने की मांग की गई है तथा व्यापारियों की मांग को देखते हुए 24 घंटे के अंदर महिला सिपाहियों की ड्यूटी मंदिर पर लगा दी जाएगी। बैठक में एसपी क्राइम डॉक्टर एमपी सिंह तथा व्यापार मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा, 24 मार्च 2021 के लिए संबंध हुई थी और उसके बाद से ये मीटिंग कम से कम एक महीने में एक बार या कम से कम दो महीने में एक बार तो मेरी और आपको उनकी व्यक्तिगत मुलाकात होनी चाहिए। इसलिए मैंने कल भी डीएम साहब से कहा था कि लास्ट मीटिंग सम्पन्न हुई थी, उसमें जनपद के सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों द्वारा जो है प्रतिभाग किया गया था। परंतु सर बीच में कोविड का प्रकोप बढ़ जाने के कारण जी का मीटिंग सम्पन्न नहीं हो पाई और आज ही अभी जुलाई में मीटिंग सम्पन्न हो रही है। इसी मीटिंग में जो बिजली उठे थे पावन बिजली में लाइसेंस की डिमांड की व्यापारियों द्वारा। इसके अलावा व्यापारी जो कोई मुकदमा अगर व्यापारियों ने दर्ज कराया है तो उसमें सुरक्षा भी दी है और इसके अतिरिक्त रंगदारी की मांग वाला विषय उठा था और हर स्पॉट चिन्हित करने की बात हुई थी जहाँ पर व्यापारियों के साथ घटना होने की संभावना जमी रहती है और मार्केट में फूड पेट्रोलिंग वाला इशू उठाता था और फूड पेट्रोलिंग के अलावा रिक्वेस्ट भी की गई थी कि सभी लोग अपनी दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरा ऐसा लगवाएं जिसमें आगे से जो गुजर रहा है उसकी ज़्यादा विजिबल हो, चेक सेल्स ज़्यादा क्लियर हो, नंबर प्लेट वगैरह पर आ जाता है और सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने और फिर आने वालों को विरुद्ध कार्रवाई ये भी व्यापारी मंडियों की तरफ से उठाएगी। बिजली का बिल जमा करने की एक समस्या उठाई गई मैंने इसे लिया था और वो व्यक्ति मिला नहीं तो बी पार्टी के माध्यम से उसको ढूंढने का प्रयास चल रहा है। क्या बन रहा है वो कारण से आया है इनका पता वो भी नहीं बता पाए तीन महीने से कहाँ मतलब अभियुक्त का पता नहीं चल रहा नहीं और उसके खिलाफ 2019 में दूसरे व्यक्ति मुकदमा पंजीकृत कराए हैं कि 136/19 धारा 406/506/420 श्री रविंद्र कुमार मौर्य संगठन मंत्री गोल्डन उद्योग व्यापार मंडल द्वारा बताया गया कि गोल्डन में चार घंटे के द्वारा आज्ञा दी गई है कि महोदय साधारण व्यापार प्रतिदिन चेकिंग की जाती है। अगर कोई बाहर या दुकान के पास खड़ा होकर शराब पिया होता है तो उसके विरुद्ध 34 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। देसी शराब की दुकान पर 3 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, समय समय पर आवश्यक भी कार्रवाई की जाती है। और चेक बाउंस करवाया
क्लियर हो जाती है, दो तीन तीन टैप इस घूमी आगे थे। आप लोगों ने देखा भी होगा न्यूज़ पेपर में, ऑपरेशन तीन पुलिस चला रही है जिसमें फोटो पर इस बार चला रहा है, उस फोटो से निगरान हो जाता है तो तुरंत लोगों का काम आसान हो जाता है। इसलिए हम लोग आपसे बार बार कहते हैं कि इसलिए नहीं कहता आप नहीं लगा रहे, इसलिए आपको कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी अब 50 लगवा लिए तो 50 से बढ़कर 70-80-90 पहुँच सकते। आज भी जो भी करना है उसको जो भी आप ही लोगों की मदद से होती है सराहनीय है, आप उनको पता आगे इसको और बेहतर करना है और भी अन्य लोगों की से जो भी प्रयास करना चाहिए। व्यापारी सुरक्षा से ही प्रदेश आगे बढ़ता है। व्यापारी जो व्यापार में अगर नजर करते हैं कि आज आप हम लोग के बीच में आए और वैसे भी गोरखपुर का एक पिछला इतिहास रहा है कि हम आपके साथ एक पारदर्शी संबंध के रूप में एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं और बहुत सारे सर कम से कम 4 महिला सिपाही वहाँ मंदिर पर स्थायी रहे सर, मगर व्यवस्था असंभव हो जाती है। जी जी और सर एक आपका आदेश हो जाए तो हम लोग सीसी कैमरा वाला बात है बढ़िया से मंदिर पर कम से कम लगवा देंगे। तो इसमें मैं चाहता हूँ ये कि ये होलिस्टिक बने, अलग अलग व्यापार मंडल का लिस्ट इकट्ठा करिएगा, उसमें मुख्य पदाधिकारी बने। देखिए शासन सरकार के निर्देशानुसार, हमारे डीजीपी महोदय के निर्देशानुसार व्यापार मंडल की समीक्षा बैठक बुलाई गई, उसमें पूरा गोरखपुर से तमाम जगह से व्यापारीगण आए हुए थे, अपने समस्या रखे थे, कुछ समस्या का समाधान 24 घंटे के अंदर करने की मेरे द्वारा आश्वासन दिया गया है, कुछ समस्या जो सिस्टम से जुड़े हुए हैं उसको लगातार परसीव करके जल्द से जल्दी निस्तारण करने का आश्वासन दिया गया है, बाकी पूर्व कुशलता है। और मंडल की व्यापारियों से अपील किया गया है अपने दुकान के अंदर के साथ साथ सड़कों के और भी अच्छे क्वालिटी की सीसीटीवी कैमरा लगाएं, ताकि फ्यूचर में एक कभी कोई घटना हो जाती है उसका वर्कआउट करने में पुलिस की मददगार स्थापित होता है सीसीटीवी कैमरा। पब्लिक प्लेसेस पे भी, चौराहे पे भी, अपने दुकान के अंदर और बाहर, यहाँ पे तरकला देवी मंदिर में महिला कांस्टेबल तैनात करने की मांग किया गया है, उसको तत्काल 24 घंटे के अंदर लागू कर दिया जाएगा।